वेलकम दोस्तों, क्राफ्ट ए टू जेड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए नए सोफा सेट के डिज़ाइन लेकर आया हूँ, जो कि 2024 के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाले हैं। इस वीडियो में आपको यूनिक सोफा सेट डिज़ाइन के आइडियाज़ मिलेंगे, जो कि आपको एल शेप, यू शेप और 3+11 और 3+22 सभी मॉडल में आपको सोफ़ा सेट मिलने वाले हैं, और सभी यूनिक डिज़ाइन है जो कि 2024 के लिए ट्रेंडिंग होने वाले हैं। इस वीडियो में तमाम जानकारी मिलने वाली है कि किस तरह के सोफ़े आपके लिए परफेक्ट रहने वाले हैं और किस तरह का मटेरियल आपको उन सोफ़ों में ढूंढना चाहिए, किस तरह का मटेरियल यूज़ होना चाहिए और किस तरह के सोफ़े लंबे समय तक चलते हैं और साथ ही आपके एस्थेटिक के साथ मैच भी करते हैं। इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखकर जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खास 8 टिप्स बताने वाला हूँ। जब आप कोई सोफ़ा परचेज करते हैं तो आपको उस सोफ़े में सोफ़ा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से एक सही सोफ़े का सेलेक्ट करना चाहिए अपने लिविंग रूम या अपने घर के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला है ट्राई बिफोर यू बाय। जब आप एक सोफ़ा सेट खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उस सोफ़े को टेस्ट करना चाहिए। जब आप खरीदने से पहले उस सोफ़े पर बैठकर देखें वो कितना कंफर्टेबल है और आपको जिस तरह के सोफ़े की रिक्वायरमेंट है वो सभी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। इसलिए सोफ़ा खरीदने से पहले आप सोफ़े को टेस्ट कर लें, नंबर एक टिप्स है। नंबर दो, इन्वेस्ट इज़ ए गुड फ्रेम। दूसरा नंबर पर आता है कि जब आप एक सोफ़ा ख़रीद रहे हों तो आप उसके फ्रेम को पूरी तरह से ध्यान रखें, उसका फ्रेम कितना स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल रहेगा या नहीं, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम सोफ़ा जो बनाए जा रहे हैं वो प्लाई बोर्ड पर बनाए जा रहे हैं। आप कॉस्ट के चक्कर में आकर, कॉस्ट कटिंग को देखकर, बहुत ही सस्ते सोफ़ा देखकर आप उन सोफ़ों को ख़रीद लेते हैं, जबकि उनका फ्रेम बहुत कमज़ोर होता है, जिसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। होता यह है कि वो गद्दी बैठने लगती है, जबकि गद्दी का ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता, मेन फॉल्ट होता है स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में जो लगा हुआ जो भी गद्दी, जो स्क्रू, जो भी वो लगाते हैं वो प्लाई बोर्ड से निकल जाते हैं और आपका जो सिटिंग एरिया है वो ख़राब हो जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है जो सॉलिड वुड का होना चाहिए और शानदार मजबूत स्ट्रक्चर देखकर ही सोफ़े में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है ऑर्डर स्विचेस, यानी जब आप सोफ़ा ख़रीद रहे हैं तो आप फिज़िकली उस सोफ़े को देख लें, उसमें विदाउट स्विचेस इट्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू जज द स्केल ऑफ ए पैटर्न रिपीट और हाउ द लाइट इन योर लिविंग रूम इफेक्ट द कलर और सीन ऑफ ए फैब्रिक। फोर्थ नंबर पर आता है चेक द कुशंस एंड फॉर्म्स। ये बहुत ज़रूरी रहता है कि जब आप सोफ़ा ख़रीद रहे हैं तो उसके जो कुशंस हो उनकी क्वालिटी को एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि आप इनसाइड में तो नहीं देख सकते, फिर भी आप सेलर या दुकानदार से पूछ सकते हैं कि उसने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है और किस तरह के कुशंस हैं और किस तरह का उसने मटेरियल उस सोफ़े में लगाया है। तो ये जानकारी आप ज़रूर ले लें, अदरवाइज़ बाद में फॉर्म अगर गलत यूज़ हुई है या उसकी जो कुशल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो फिर आपको बाद में इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। 5 नंबर पर आता है फोकस ऑन द फैब्रिक। आपको सोफ़ा ख़रीदने से पहले उसके फैब्रिक की क्वालिटी और उसके नेचुरल कलर्स, उसकी फिनिशिंग, अपोस्ट्री में मटेरियल यूज़ किया गया, कौन सा मटेरियल है, उसकी पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी तरह के फैब्रिक्स अवेलेबल हैं जो कि 100 रुपये से स्टार्ट होके 2-3 हज़ार रुपये तक पर मीटर के हिसाब से चले जाते हैं। तो आप ये पूरी जानकारी ले लें और पूरी तरह से एक बार कपड़े के बारे में, उसके फैब्रिक के बारे में कन्फर्मेशन लें कि किस तरह का फैब्रिक
सोफे में यूज़ किया गया है तो ही सोफे को ख़रीदें, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी तरह के मटेरियल्स मार्केट में हैं और आपको लो क्वालिटी का सोफे पे कोई भी फैब्रिक लगा के दे देता है और आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या ख़रीदा है। 6 नंबर पर आता है चूज़ दी टाइमलेसनेस, यानी जो भी आप सोफा ख़रीदने चाह रहे हैं, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो एक यूनिक पीस होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस पर बैठकर टीवी देखते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं, या आप अपना कोई भी उस पर काम करते हैं या आप उस पर आराम करते हैं, तो वो कंफर्टेबल के साथ साथ यूनिक भी होना चाहिए और आपके जो लिविंग रूम एरिया है उसमें उससे एक अलग लुक आना चाहिए, अलग फील आना चाहिए और वो क्वालिटी को भी दर्शाता हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। 7 नंबर पर आता है मेजर अप, यानी जब आप सोफ़ा खरीदने जा रहे हो तो आप अपने एरिए की या लिविंग रूम का साइज़ एक बार प्रॉपर चेक कर ले कि आपको किस तरह का, मतलब कितने साइज़ में सोफ़ा चाहिए, किस एरिया में आपको सोफ़ा रखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सोफ़ा ले आते हैं और बाद में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखें, प्रॉपर मेजरमेंट लेने के बाद ही सोफ़ा ख़रीदें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट वन है कंसिडर दी एक्स्ट्रा फीचर्स, अगर आप सोफ़ा खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जो सोफ़ा आप खरीद रहे हैं उस सोफ़े के अलावा उस सोफ़े में और क्या क्या फीचर्स हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा यानी स्टोरेज है या कुछ फोल्डिंग या कुछ जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप उसको सोफ़े को सोफ़ा कम बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स सोफ़ा में रहते हैं जिनको आप देख कर ले सकते हैं, क्योंकि ये फीचर आपको बाद में फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल सोफ़ा ख़रीदते हैं तो उसका खाली सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं, जबकि इन एक्स्ट्रा फीचर के साथ आपको उससे और भी बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए नया सोफ़ा ख़रीदना हो या बनवाना हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं और जो सोफ़ा आपको पसंद है उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। हमारी फैक्ट्री सहारनपुर में है और हाई क्वालिटी फर्नीचर बनाने के लिए बहुत लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको अपने घर के लिए किसी भी तरह का फर्नीचर या कस्टमाइज फर्नीचर बनवाना हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आपको ऑल इंडिया डिलीवरी मिल जाती है, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाता है और बाकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन गाइज।